दिलकश मौसम, ठंडे पानी की आबशारें, आसमान को छूते हुए पहाड़, साफ शफाफ पानी की झीलें, खूबसूरत जंगलात, ये सब और कुदरत के बहुत से करिश्मे मिलेंगे आपको नॉर्थ पाकिस्तान में। जिस खुदा की दुनिया इतनी खूबसूरत है तो सोचें उसकी जन्नत क्या ही लेवल होगा। शोगान क्रॉस करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए सिरीपाई, और सिरीपाई आने के बाद हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कितना ऊपर है ये लगभग 12 से 15 हज़ार फीट पर होगा। इतना ऊपर है कि भाई आप इतना अंदाजा लगा लो कि हमने यहाँ से बादल नजर आ रहे हैं, बादल को हम नीचे देख रहे हैं। हाँ, शोगान पे हम थे ना, हम बादल को टच कर रहे थे, अब जो है ना अभी सिरीपाई पे हम, तो बादल हमसे नीचे हैं। तो अगर ये पॉइंट हम ना घूमते ना तो यहाँ पे आने का मतलब हमारा यहाँ पे आने का जो है ना फजूल था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो हम आए ना, तो ये जो रास्ता है ना, मैं तो कहता हूँ कमजोर दिल वाले ना आए, वो बहुत रिस्की है भाई, बहुत रिस्की। यहाँ खाइए, बीच में जो है ना आपने जीप चलानी है, आपने नहीं चलानी, ड्राइवर वो जो ड्राइवर होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसने चलानी है, उसे चलानी है। और अली तो माशाल्लाह बहुत ही हमारा ब्रावो बच्चा है, अली सबसे बहादुर बच्चा अली है हमारा। वो तो कल में वगैरह पढ़ रहा था, बस और क्या था, बस चुप रहो, बातें नहीं करो। अली भाई कुछ कहोगे इस बारे में आप? मैं आके फंसा चारों तरफ, तू भी बोल, नाइजीरिया भाई आके कोई नहीं फंसा, सब मजा आ रहा है, लेकिन और भाई इरमान भाई के तो टशन ही नहीं खत्म होते, ऐसे आएगा ऐसे बात नहीं करेगा, वीडियो में आना है, कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, ये कौन सी बात है? कॉन्फिडेंस बहुत है भाई, बोलने का अल्लाह का करम है, आएगा ऐसे करेगा फिर चला जाएगा। खैर भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा। हम लोग नाराना, तो हमने बोला नाराना जैसी कोई जगह नहीं है, फिर काकन आया तो काकन उससे ही बड़ा, उससे ही बढ़कर उसका बाप था, और उसके बाद शोगरा आया तो दादा निकला, और जब यहाँ आए तो ये तो भाई सबका परदादा है, वेरी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा। आप बात देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे बादल, और बिल्कुल बादल हमारे, एक तो हमारे नीचे है, दूसरा हमारे बिल्कुल सामने है, हम बादल को टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है। और हाँ दूसरी बात, 3 दिन के बाद हमने धूप को देखा है कि धूप कैसी होती है, 3 दिन बाद है ना सामान, 3 दिन बाद हमने धूप को देखा है, धूप हम 3 दिन बाद देख रहे हैं, विटामिन डी की कमी हो गई थी, चल ही नहीं पा रहे थे, तकलीफ और टिड्डियों में।